हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम इम्प्रूवमेंट पे। तो मैंने आप लोगों को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट वन के दो पार्ट, मतलब दो वीडियो मैंने पहले ही ला दिए हैं। अब ये पार्ट थ्री हुआ जिसमें आप लोगों को पढ़ना है ईरर्स के बारे में, इसके सोर्स, इसके टाइप्स के बारे में। हम लोग आज इसको कंप्लीट करते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग इसमें भी पूछा जाता है। तो देखिए, ईरर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईरर्स आखिर होता क्या है? तो ईरर इज एन एक्शन विच मीन्स मिस्टेक। मतलब ईरर्स एक एक्शन होता है, मतलब कि कार्य है जिसका मतलब मिस्टेक होता है। मतलब कि अगर हम लोगों से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे जो उत्पन्न होता है वो त्रुटि, उसी को ईरर बोलते हैं। मिस्टेक मीन्स ईरर। अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री में ईरर किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू, वैल्यू ही रखिएगा इसको, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू रे वैल्यू इज कॉल्ड ईरर। मतलब कि जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग बोल सकते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड वैल्यू, या मतलब कि जैसे कोई सब्सटेंस बना है, प्योर है, वो कन्फर्म है कि वो प्योर है, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जिसे हमने लिया है, जिसे हम बना रहे हैं या फिर बन गया है, उन दोनों के बीच के जो बीच का जो अंतर आता है उसी को क्या बोलते हैं, ईरर। इस तरह तो आप लोग मिस्टेक मीन्स ईरर आप लोग बोल ही सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। इफ अ टैबलेट कंटेंस सोर्स ऑफ पैरासीटामोल एंड आफ्टर एनालिसिस द एनालाइज्ड ऑब्जर्व्ड 490 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट्स। आप लोग जानते हैं कि पैरासीटामोल टैबलेट्स मान लीजिए 500 mg का आता है, ठीक है। और जब ये एक टैबलेट को जब एनालाइज ने ऑब्जर्व्ड किया तो वो 490 ग्राम हुआ। तो इसका मतलब त्रुटि कितना हुआ, ईरर्स कितना हुआ, 10 ग्राम का ईरर्स हुआ। 500 में से आप 490 घटाएंगे तो कितना हुआ, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हो गया आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू, माइनस किए कितना आ गया, 10 ग्राम। अब मान लीजिए यही परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में ईरर आपका आ जाएगा 2%। कितना ईरर हो, 2%। चलिए अब टाइप्स ऑफ ईरर्स, अभी सोर्स ऑफ ईरर्स देख लेते हैं हम। देखिए ये आ गया आपका सोर्स ऑफ ईरर। आखिर ईरर्स उत्पन्न कैसे हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में आपका ईरर आ सकता है? तो सबसे पहले आपका है सैंपल प्रिपरेशंस। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का सैंपल बना रहे हैं, उस समय हम लोग का ईरर आ सकता है। ईरर बाय एनालाइज, मतलब कि जो आपका सैंपल बना रहा है, जो आपका ड्रग बना रहा है जो आदमी, उससे भी अगर कोई गलती हो जाए तो उसमें भी आपका ईरर आ सकता है। इक्विपमेंट प्रॉब्लम, अगर हम किसी मान लीजिए मशीन से, या फिर मान लीजिए कोई सिकोनिकल फ्लास्क हुआ, अगर उसमें कोई ईरर्स हुआ तो फिर आपका सब्सटेंस या फिर ड्रग्स में ईरर आ जाएगा। सेलिब्रेशन, रिपोर्टिंग प्रॉब्लम मान लीजिए भाई हमने कोई ड्रग बनाया और उसका रिपोर्ट तैयार किया, अगर रिपोर्ट में ही गलती हुई तो उसमें ईरर आ जाएगा। कैलकुलेशन ईरर्स, मान लीजिए हम लोग कितनी बार किसी डोज का या फिर किसी ड्रग का डोजेज कैलकुलेशन करते हैं, अगर उसमें कोई ईरर आ गया तो इस तरह ईरर आ जाएगा आपके ड्रग में। इस तरह ईरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के दौरान भी हम लोग का ईरर आ सकता है। ये आपका हो गया सोर्स ऑफ ईरर, आखिर ईरर्स किस तरह उत्पन्न हो सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 7, 8, 9, 10 भी आप लोग बना सकते हैं अपने से कि सोर्स ऑफ ईरर्स आखिर ईरर्स आ कैसे सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ईरर, यह है आपका टाइप्स ऑफ ईरर। तो ईरर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो डिटर्मिनेट ईरर्स, इनडिटर्मिनेट ईरर्स। तो डिटर्मिनेट ईरर्स मतलब ईरर्स नो टू बी द एनालाइज्ड, मतलब वैसा ईरर्स जो एनालाइज्ड को पता होता है, जो मतलब आपका ड्रग बना रहा है उसको पता होता है कि ये ईरर्स है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ईरर्स। वही इनडिटर्मिनेट ईरर्स किसे बोलते हैं, उसे भी पता नहीं है कि इसमें ईरर्स क्या है, कैसा ईरर होगा इसमें, उसे हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ईरर्स। अब देखिए, मान लीजिए ईरर्स तो हो गया, आखिर उसे कम कैसे किया जा सकता है उस ईरर्स को, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग ईरर्स, आखिर ईरर्स को कम कैसे किया जा सकता है। तो ईरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय अंडरस्टैंडिंग द सोर्स एंड टाइप्स ऑफ ईरर्स थ्रोटली। यहाँ पर गलत लिखा है, इसे आपको देखिएगा। हाँ, मतलब ईरर्स अगर हम लोग उसे मतलब ध्यान से पढ़ें और उसका अध्ययन करें तो हम लोग को तो मालूम तो चल ही जाएगा कि ईरर्स आखिर हुआ कैसे, तो उसे हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो दो तीन तरीका हमने लिखा है,
उसे आप लोग पढ़ लो। पहला है इंस्ट्रूमेंटल ईरर्स, जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम लोग का ईरर उत्पन्न हो जाता है, जैसे दिस ईरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेकिंग थ्रोली द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर एनालाइज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द ओनली एनालिसिस। मतलब कि हम लोग को वो प्रैक्टिकल करना या फिर ड्रग बनाने से पहले जो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस सबको ध्यान से चेक कर लेना या फिर साफ कर लेना, तब आपका ईरर्स नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंटल ईरर्स नहीं आएगा। दूसरा क्या है, पर्सनल ईरर्स, इसके लिए रिटर्न शुड बी इम्प्लॉयड और द नॉलेज ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म एनालिसिस इज टू बी इंज्योर्ड पेयर टू एनालिसिस रेगुलर रिपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एनालिसिस कैन बी डन। देखिए पर्सनल ईरर्स, जैसे कि बिना मतलब मान लीजिए आपको उतना नॉलेज नहीं है और आप उस ड्रग को बना रहे हैं तो फिर आपसे भी तो हो सकता है, जैसे कि उसमें स्किल होना चाहिए, स्किल बोले तो जो कर रहा है उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि इसमें क्या कितना करना है, तभी तो हम लोग अपनी तरफ से जो इरर हो सकता है उसको रोक सकते हैं। या फिर जब आपका बन जाता है तो उसका एक रिपोर्ट तैयार करिए, रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट को मेंटेन करिए, उस तरह से हम लोग अपना पर्सनल इरर्स रोक सकते हैं। तीन नंबर है केमिकल इरर्स, स्टैंडर्ड केमिकल्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स विथ आउट इम्प्योरिटीज मस्ट बी यूज फॉर एनालाइज। मतलब केमिकल की वजह से ईरर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कई बार हम लोग केमिकल्स का यूज तो करते हैं ड्रग्स में, सब्सटेंस में, तो इतना ध्यान रखें हम लोग स्टैंडर्ड केमिकल्स का यूज करें। जैसे स्टैंडर्ड केमिकल होता है जो प्योर होता है पूरा, उसमें इम्प्योर होता ही नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग स्टैंडर्ड केमिकल्स को ना लेते हैं, हम लोग अंदाजा से ले लेते हैं कि ये केमिकल्स है ये प्योर होगा, तो होगा मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज भी तो प्रेजेंट हो सकती है ना, इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड केमिकल्स को लेकर हम लोग केमिकल्स इरर्स को दूर कर सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगर आपने इसके पार्ट वन और पार्ट टू को नहीं देखा है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।